पहली टुकड़ी बिहार सैन्य पुलिस प्लाटून कमांडर श्री सुधीर प्रसाद सिंह प्रशिक्षण एवं निरीक्षक और सभी कदमों से समस्त टुकड़ियां सलामी मंच की तरफ धीरे धीरे अग्रसर और दूसरी टुकड़ी जिला सशस्त्र बल की है प्लाटून कमांडर हवलदार मोहम्मद जहांगीर आलम और तीसरी टुकड़ी जिला महिला सशस्त्र बल की प्लाटून कमांडर हवलदार सत्येंद्र कुमार पांडे और चौथी की है प्लाटून कमांडर हवलदार राम लखन और दिखाते हुए सभी कदमों से सलामी मंच की ओर मुख्य परेड कमांडर श्री उपेंद्र दास के नेतृत्व में सलामी मंच के सभी पहुंचते हुए जिलाधिकारी महोदय के समक्ष सलामी मंच से गुजरते हुए मुख्य परेड कमांडर श्री मुख्यमंत्री गृह रक्षा वाहिनी प्लाटून कमांडर हवलदार राम लखन भगत कर्तव्य ध्रुवियों से इनका अभिनंदन किया जा रहा है। शानदार मार्च पास्ट जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष सारा जनमानस पूरी तौर पर आह्लादित और दूसरी टुकड़ी जिला सशस्त्र बल की प्लाटून कमांडर खबरदार मोहम्मद जहांगीर आलम तीसरी टुकड़ी जिला महिला सशस्त्र बल की प्लाटून कमांडर खबरदार सत्येंद्र कुमार पांडे और दूसरी टुकड़ी जिला सशस्त्र बल की प्लाटून कमांडर खबरदार मोहम्मद जहांगीर आलम तीसरी टुकड़ी जिला महिला सशस्त्र बल की प्लाटून कमांडर हवलदार सत्येंद्र कुमार पांडे प्लाटून कमांडर हवलदार राम लखन भगत होश महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय बड़े वृक्ष वहां से उतरते हुए और एक बार जब हम अपने अपने पवित्र मौके पर समर्पण के साथ देश की सेवा और उससे ही बढ़कर सारी मानवता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा लेते हुए अपने संविधान को लागू किया था, आज हम अपने संविधान में दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए एक महान देश के नागरिक हैं जो तीन विकास तैयार कर रहे हैं। मित्रों, यह हर्ष का विषय है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर से गुजरने के बावजूद भी खगड़िया जिला तीव्र विकास के साथ अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा। हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से खगड़िया जिला निरंतर सफलता की नवीन बुलंदियां छूता है। सरकार द्वारा न्याय के साथ काम के आधार पर जिले के कई योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के साथ योजना के तहत स्वच्छता, स्वच्छ जल, रोजगार, शिक्षा, बिजली, युवाओं को अवसर इत्यादि के क्षेत्र में सूचना मतलब प्रयास किया जा रहा है। जिलेवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन सतत प्रयासरत है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न उपायों जैसे सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग के अतिरिक्त सर समय कोविड मरीजों की जांच का महत्व। वर्तमान में जिले के सभी 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, सदर अस्पताल और स्टेशन परिसर पर सरकार द्वारा निःशुल्क कोविड जांच की व्यवस्था की गई। अब तक इस क्रम में 3,63,000 से भी अधिक निःशुल्क जांच की व्यवस्था की जा चुकी है। अब तक इसमें 2,738 लोग संक्रमित पाए गए हैं और काफी हर्ष का विषय है कि
25 जनवरी 2021 तक जिले में मात्र एक व्यक्ति अभी संक्रमित है और जल्द ही जिला कोविड मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी प्रकार जिले में 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें प्रथम चरण में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए कर्मियों को प्राथमिकता दी गई। यह टीकाकरण वर्तमान में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित 10 स्थलों पर किया जा रहा है और दिनांक 25 जनवरी 2021 तक कुल 2000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया भी जा चुका है। आगामी चरणों में फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड-19 का टीका लगाने हेतु अन्य इच्छुक लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। सदर अस्पताल में एएनएम की का संचालन किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर पीपीटी बोर्ड पर फिजियोथेरेपी यूनिट, एनसीडी यूनिट, पेशेंट सेंट, विशेष नवजात देखभाल इकाई का निर्माण किया गया है।